10 विकेट से वर्ल्ड कप T20 में भारत पाकिस्तान से मैच हारा है, और ये मैच भारत हारा नहीं है बल्कि हरवाया गया है। अब किन किन लोगों ने हरवाया है उनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। BCCI में कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो प्योर राजनीतिबाज हैं, धंधेबाज हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से हारा है। एक समय हम लोग सुनते थे सट्टेबाजी जो है वो बैन है, वो गलत चीजें है, लेकिन आज के समय में जो है ना सट्टेबाजी लीगल कर दिया गया है। Paytm 11, Dream 11, Khelo 11, Kudo 11, Cricket 11, Circle 11, My 11, Tohar 11, Tohar Bhai 11, मतलब समझ में नहीं आता है क्या क्या है। और उसमें जब पैसा लगाया जाता है ना तो बिजनेसमैन वाले का क्या है कि प्रॉफिट। सभी लोगों ने भारत के जीत पे सट्टा लगाया, अगर भारत जीत जाता तो My 11, Dream 11, Khelo 11, Circle 11 सबका वाट लग जाता। तो क्यों ना लोगों का वाट लगा दिया जाए, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए, भारत को पहला ही मैच हरवा दिया जाए, TRP बना रहेगा। और ये जानबूझ के हुआ है। आपने इसके पहले भी देखा था फाइनल में जब इंडिया पहुंचा था मिनी वर्ल्ड कप, जिसको जो है चैंपियनशिप ट्रॉफी कहते हैं, उसमें उस समय भी क्या हुआ था, बुरी तरीके से इंडिया मैच हारा था। उसमें आउट होने का तरीका अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो पता चलेगा कि उस समय भी भारत को जबरदस्ती हरवाया गया था। अमित शाह के बेटे जयेश शाह हैं, सचिव हैं, मतलब पैसा का देखरेख सब वही करते हैं BCCI में, कि कोषाध्यक्ष है पता नहीं क्या है। गांगुली को मोहरा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बताइए ICC वर्ल्ड कप का मुख्य स्पॉन्सरशिप में ड्रीम इलेवन रहेगा, और ड्रीम इलेवन पे तो होता क्या है, सट्टा लगाया जाता है। आप बताइए कि होता क्या है, मुझे आप लोग बताइए। उस पर सट्टा लगाया जाता है, बहुत उलटफेर होने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी टीमें हारेगी, छोटी छोटी टीमें जीतेंगी, और इन सब चीज़ों को दिखाया जाएगा। आपको लगेगा 15 ओवर तक, मतलब कि 35 ओवर तक, 20 ओवर फर्स्ट इनिंग का, सेकेंड इनिंग का 15 ओवर, यानी 35 ओवर तक लगेगा कि एक टीम जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है, और 5 ओवर में ऐसा अप्रत्याशित घटना घटेगा ना कि आपको लगेगा ही नहीं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, आर अश्विन, और भी वरुण चक्रवर्ती IPL के हीरो, रविंदर जडेजा, धोनी का मेंटर वाला दिमाग, शास्त्री का कोचिंग वाला दिमाग, विराट कोहली की कप्तानी, रोहित शर्मा, KL राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, और ऐसा सजा हुआ टीम जो है पाकिस्तान के सामने अगर 10 विकेट से वर्ल्ड कप में हार जाए, और वो भी पहली बार, तो आश्चर्य तो होगा, सवाल तो उठेगा। भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, आर्यन खान के खिलाफ जब मैं बोलता हूं तो मुस्लिम लोग मुझे गाली देते हैं, जब BJP के खिलाफ बोलता हूं तो BJP के समर्थक मुझे गाली देते हैं। मैं तो बोलूंगा गलत के खिलाफ, चाहे कोई भी हो। कीजिए, इसको लिखिए आप लोग, भारत भावनाओं से चलने वाला देश है, और भारत के नेता भारत के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चलते हैं, और खिलवाड़ किया गया है भावनाओं के साथ। अब जरा सोचिए, और भारत के नेता जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चलते हैं, आप सभी को पता है। अंतरराष्ट्रीय मैच है, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे से ज़्यादा क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी है, मेरे से ज़्यादा एनालिसिस करने वाले लोग हैं। क्रिकेट को हम लोग मतलब कि भगवान का बनाया हुआ गेम की तरह पूजते हैं भारत में, और देखिए ना, भगवान भी हमारे साथ मजाक करते हैं, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और वो ऊपर वाले भगवान नहीं, ये नीचे वाले भगवान, जो अपने आप को भगवान, फर्जी भगवान कहते हैं। राजीव शाह, राजीव कौन शुक्ला हैं, कांग्रेस के नेता हैं, खूब मस्त एकदम BJP के साथ गठबंधन करके रहते हैं, IPL के गवर्निंग टीम में और BCCI के कमेटी में हम अच्छे से रहते हैं। अभी सौरभ गांगुली हैं बंगाल के, किंग्स प्रिंस ऑफ कोलकाता, धोनी जी को मेंटर चुना गया है। अगला मैच इंडिया जीतेगा, उसके बाद भी जीतेगा, क्योंकि ग्रुप इंडिया का, इंडिया के ग्रुप में बहुत कमजोर कमजोर टीम है, बस पाकिस्तान ही एक मजबूत टीम था और एक न्यूजीलैंड है। मैच जीतेगा इंडिया, क्वालिफाई भी कर जाएगा,
वर्ल्ड कप ना जीते फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हार हम लोग पचा नहीं पाते हैं। हिंदुस्तान के लोग हैं ना, नहीं पचा पाते, ये बात सच है। वर्ल्ड कप हार जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के साथ कम से कम जीतता तो सही। रोहित शर्मा का पहले ही गेंद पे 0 रन पे आउट होना कहीं नहीं तो कहीं दो चीज़ों को दर्शाता है। एक तो या तो रोहित शर्मा टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, या तो रोहित शर्मा जो है वो अंबानी के द्वारा गाइडेड होके जो है ना, जयेश शाह के द्वारा गाइड होके जो है ना आउट हुए हैं। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। एक बार जांच बैठे, ये आईपीएल में क्या क्या गोरख धंधा किया जाता है, रात में किस प्रकार से क्या क्या किया जाता है, कैसे सट्टा लगाया जाता है, इनके पास कहाँ से इतना संपत्ति आ जाता है, ये क्रिकेटर के पास कहाँ से इतना बड़ा बड़ा फ्लैट, इतना बड़ा बड़ा बंगलू खरीद लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं। आईपीएल से जो पैसा मिलता है, जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिलता है, उसके अलावा भी इन लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति कहाँ से हो जाता है? क्यों? क्योंकि ये लोग भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी कश्मीर में क्या हुआ है पाकिस्तानियों के द्वारा वो सबको पता है, और जले पे नमक जो है छिड़कने का काम जो है ना, वो इन लोगों ने खुद, ये लोग खुद से हारे हैं, ऐसा नहीं है पाकिस्तान ने नहीं हराया हमें। भारत दुनिया का सबसे सशक्त देश बन सकता है, लेकिन भारत के घर में दुश्मनों की संख्या कम हो जाए तो, यहाँ पे देशभक्तों से ज़्यादा गद्दारों की फौज है, और उन्हीं गद्दारों की वजह से जो है भारत हारा है। और उस गद्दार में जो है विराट कोहली भी हैं, उस गद्दार में जो है रोहित शर्मा भी है, उस गद्दार में महेंद्र सिंह धोनी भी है, उस गद्दार में रवि शास्त्री भी है, और उस गद्दार में भारत के सभी प्लेयर हैं, और उस गद्दार में जो है भारत के कुछ नेता भी हैं। जांच होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है नहीं जांच होगा, मुझे पता है ये बात। उम्मीद है क्रिकेट में राजनीति ना हो तो ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा राजनीति हो गया है, घुस गया है। जगमोहन डालमिया के बाद शरद पवार आ गए, शरद पवार के बाद उसके बाद से अरुण जेटली आ गए, अरुण जेटली के बाद से जो है ये अपना सौरभ गांगुली सिर्फ और सिर्फ मोहरा हैं, अमित शाह के बेटा जी आ गए, अभी सर्वे सर्वा अमित शाह के बेटा जी ही हैं। तो बर्बादी तो होगी ही ना भारतीय क्रिकेट की। और मैं, आप लोग लिख के रख लो, 10 से 15 साल के बाद भारत के क्रिकेट की ऐसी स्थिति होगी जैसे हॉकी हमने देखना छोड़ दिया है ना, वैसे क्रिकेट देखना छोड़ देंगे अगर ऐसे ही सट्टेबाजी होता रहा तो। आवाज़ उठाइए आप लोग, ताकि ये जो माई ड्रीम 11, सर्कल 11, खेलो 11, क्रिकेट 11 जो है ना, पेटीएम 11, ये जो MPL, ये सब जो है ना, ये एप्लीकेशन बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि ये सट्टाबाजी होता है, और सट्टाबाजी से जो है ना भारत की टीम जो है ना पैसे के लालच में जो है ना पाकिस्तान से जानबूझ के हार जाती है। IPL पूरा फिक्स रहता है, किसको जितवाना है किसको हरवाना है पूरा फिक्स रहता है पूरा। वैसे ही क्या पता चैंपियनशिप ट्रॉफी आप लोग एक बार उठा के देख लो, वर्ल्ड कप और चैंपियनशिप ट्रॉफी का वो फाइनल मैच पाकिस्तान से किस प्रकार से बुरी तरीके से भारत हारा था, आप एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा जानबूझ के हारा था। और आज का भी मैच देखना आप लोग, भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। हमारे देश के जवान जो मिठाई लेके जो है बॉर्डर पे बैठते हैं कि हाँ भारत टीम जीतेगा तो हम मिठाई खाएंगे, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, हम सभी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, और हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक मैच हिंदुस्तान के लोग ना देखें ना, इनकी औकात पता चल जाएगा। लेकिन मुझे पता है हम लोग कितना भी चिल्लाएंगे फिर भी कुछ लोग देखेंगे, क्योंकि क्रिकेटर को लोग भगवान के तौर पे पूजते हैं हिंदुस्तान में, और ये भगवान जब गद्दारी करते हैं ना तो दिल टूट जाता है। बस भारतीय टीम के क्रिकेटरों, विनती है तुम लोगों से कि इसके बाद से इस प्रकार की गलती कभी मत करना, वरना हिंदुस्तान के लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बस, और ऐसे नालायक लोगों का क्रिकेट मैच आप लोग मत देखो। जय हिंद।